हेलो फ्रेंड्स, काजल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। आलू का पराठा हर एक पंजाबी घर में जो है हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ही बनाया जाता है। वैसे भी स्टफिंग के परांठे जो हैं पंजाबी घर में ऑलमोस्ट ही बनाए जाते हैं और बहुत ही यम्मी टेस्टी बनते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू का पराठा, जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलो हम इसकी रेसिपी की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक बॉल। बॉल में हम ऐड करेंगे 2 कप आटा। व्हीट फ्लोर ले रहे हैं हम यहाँ पे, गेहूं का आटा। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने और 1 टेबलस्पून ले लिया है। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमने पानी जो है एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़रूरत के अनुसार डालना है। हमने यहाँ पे इसका जो है एक डो तैयार कर लेना है। हमने यहाँ पे जो है एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, ज़रा टाइट वाला डो तैयार नहीं करना है। हमारा जो डो है वो हमने तैयार कर लिया है, आटा गूंथ लिया है। अभी हम इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसे साइड पे रख देंगे, जिससे कि हमारा जो डो है सॉफ्ट हो जाएगा। बनाने में पराठा जो है बहुत ही आसान रहेगा। अभी हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक बॉल। बॉल में हम ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। यहाँ पे मैंने 2 पोटैटोज़ लिए हैं, 2 उबले हुए आलू लिए हैं। अभी हम इसे जो है मैश कर लेंगे। हमने हैंड्स के साथ इसे मैश कर लेना है। और फ्रेंड्स, हमने पोटैटोज़ को मैश करते हुए ध्यान रखना है कि इसमें जो है पोटैटो का कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रह जाए, जिससे कि हमारे पराठे जो है टूट सकते हैं। इसीलिए इसे अच्छे से मैश कर लेना है। अभी हम इसमें ऐड करें अनियन। अनियन 1 अनियन लिया है मैंने, चॉप कर लिया था इसे हमने। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे कैरम सीड्स, अजवाइन, इससे पराठों का टेस्ट बढ़ जाता है। और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिली, 1 ग्रीन चिली। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अभी हमने इसमें ऐड किया कोरिएंडर लीव्स 1 टेबलस्पून। और हमने यहाँ पे सभी मसाले जो है इसे ऐड कर लिए हैं। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी जो है हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। हमारी जो पराठों की स्टफिंग है, इसमें हम आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। और इसमें हम अनारदाना भी जो है ऐड कर सकते हैं। यह ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। हमने पराठों का जो है नॉर्मल रखा है, जिस तरह से हम अपने घरों में नॉर्मल पराठे बनाते हैं उसी तरह से हमने इसकी जो है स्टफिंग तैयार कर ली है। यहाँ पे हमारे जो है 15 मिनट भी पूरे हो चुके हैं। अभी हम प्लेट को निकाल देंगे और इसे जो है एक बार फिर से गूंथ लेंगे। अभी जो हमारा डो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे जो है 15 मिनट्स के लिए साइड पे रख दिया था। अभी हमारा डो सॉफ्ट हो गया, इसे एक बार बस हमने गूंथ लेना है और हमारा जो डो है वो रेडी हो गया। हमने यहाँ पे स्टफिंग भी तैयार कर ली है और डो भी रेडी कर लिया है। अभी हम डो में से जो है एक बॉल ले लेंगे। हमने एक पेड़ा ले लेना है इसमें से। अभी हम पेड़े को इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। इसे जो है इस तरह से हमने इसकी एक कटोरी तैयार कर लेनी है, जिससे हम इसके अंदर इसकी स्टफिंग कर सकें। हमने यहाँ पे जो है इसको जो है इस तरह से करके, और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे स्टफिंग। यहाँ पे आप स्टफिंग जो है अगर कम रखना चाहते हैं कम भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको जो पराठा है स्टफिंग किस तरह से चाहिए, अगर आपको ज़्यादा भरा भरा पराठा चाहिए आलू का तो आप ज़्यादा स्टफिंग ऐड कर सकते हैं, अगर कम चाहिए तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। हमने इसे जो है इस तरह से करते हुए इसे जो है इसे इसके अंदर बंद कर देना है, ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो उसके अंदर अच्छे से भर जाए। अभी हमने जो है इसके अंदर इसको जो है आलू की स्टफिंग कर ली है। अभी हम इसके ऊपर आटा थोड़ा सा लगा लेंगे और इस तरह से हमें जो है इसे बेल लेना है। हमें इसे बेलते हुए ध्यान रखना है, इसे जो है ज़्यादा कस कस कर नहीं बेलना है, बहुत ही हल्के हाथों से इसे हमने बेल लेना है, ताकि हमारी जो आलू की स्टफिंग है इसमें से ना निकले। हमने यहाँ पे जो है पराठे को बेल लिया है। अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं तवा। मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, आप यहाँ पे नॉर्मल तवा जो आप घर पे यूज़ करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। हम इसके ऊपर लगा लेंगे देसी घी या फिर बटर, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हैं। हमारा तवा जो है बिल्कुल गर्म हो गया है। अभी हम इस तरह से इसी के ऊपर पराठा जो है लगा देंगे।
हमने जो है पराठे के बनाते हुए फ्लेम जो रखनी है वो मीडियम रखनी है। ज़्यादा हाई फ्लेम रखने पर हमारा पराठा सड़ जाएगा और ज़्यादा लो फ्लेम रखने पर हमारा जो पराठा है वो सूख जाता है, ड्राई ड्राई हो जाता है। हमें इस तरह से एक साइड पे पक जाने पर दूसरी साइड पलट देंगे और इसी तरह से हम इसे इसके ऊपर घी लगा लेंगे और इसे दोनों साइड से पका लेंगे। हमारा जो ये पराठा है, इस तरह से हम मूली के पराठे की स्टफिंग, पनीर के पराठे की स्टफिंग, पनीर स्टफ पराठा और आलू प्याज का पराठा, कोई भी पराठा बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी, टेस्टी और इजी रेसिपी है। और हमारा जो पराठा है वो एक साइड से पक गया है, दोनों साइड से हमें इसे अच्छे से पका लेना है और हमारा जो आलू का पराठा है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है। आप इसे जो है बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, शाम को चाय के साथ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। और बच्चों को यह पराठा तो वैसे ही बहुत पसंद होता है, तो हमारा जो ये पराठा है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप आलू के पराठे को दही के साथ, रायते के साथ, चाय के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और हमारा जो आलू का पराठा है बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी